मंत्री जी कुछ मालूम हुआ? अक्षय कुमार का वध करने वाला और अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला बानर कौन है? हाँ महाराज, सुना है वह पवन का बेटा हनुमान है। पवन का बेटा हनुमान, मगर वो यहाँ किस लिए आया? महाराज की जय हो। महाराज, उस दुष्ट बांदर को इंद्रजीत बंदी बनाकर दरबार में उपस्थित कर रहे हैं। आ गया बांदर। बहुत खूब, बहुत खूब। पिताजी जय शंकर। जय शंकर के। पिताजी, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला तथा अक्षय कुमार का वध करने वाला वानर आपके सामने हाजिर है। तू कौन है और किसने आया है? तुझे तुझे अपने प्राणों की चाह नहीं? जो जो तूने इस प्रकार से अशोक वाड़िया को नष्ट कर दिया तथा मेरे राक्षस को मार दिया। कभी मानी रावण, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खा लिए। बानर स्वभाव तो आप जानते ही हैं। फल खाना, पेड़ तोड़ना, किस पर तुम्हारे राक्षस मुझे मारने आए थे लेकिन सोते ही मर गए। जान ना हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई।
तू यहाँ मत भूल, तू मेरी कैद में है। रस्सी 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 जल गई मगर बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किसी बात का भय नहीं। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। हे मूर्ख, तू क्या समझता है, मेघनाथ मुझे बंदी बनाकर ले आया तो मैं चाहता तो बरम फांस को तोड़कर तेरी लंका को समुद्र में डुबा देता, मगर इसमें ब्रह्मा जी की महिमा घट जाती। तू जैसे वीर की दशा देखकर मेरा सर शर्म से झुका जा रहा है। अभी तक तो झुका है, तुम्हारे ही झुकाने से कुछ दिनों जमी से नहीं उठोगे उठाने से। हनुमान, आज तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो? क्या क्या तुम पुराने संबंध को इतने जल्दी भूल गए? कदापि नहीं, मैं तो अभी भी आपका शुभ चिंतक हूं। निसंदेह, यदि यदि तुम्हारे जैसे दो चार और शुभ चिंतक हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। हरी भरी वाटिका को नष्ट कर डालने वाला, राक्षसों को मार देने वाला, अक्षय अक्षय कुमार का वध करने वाला, वारे वारे मेरे वफादार। वाह, मैं गया था कौन सा आपको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वहाँ झगड़ा फैलाने के लिए। काम किसके आते हैं फल, आखिर खाने के लिए। हाँ, जुर्म जो बांध लिया घर में ले जाने के लिए। बस 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 इतनी सी बात पर पीछा मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको लेकिन सोते ही मर गए। प्रश्न तो यह है, तुम यहाँ क्यों और किसने आए हो? मुझे श्री राम जी ने तथा सुग्रीव जी ने माता सीता की खोज करने के लिए भेजा है। क्या कहा, सीता की खोज? हाँ, सीता की खोज। परंतु सुग्रीव का राम से क्या संबंध है? रावण सुन, श्री रामचंद्र जी जब सीता माता की खोज करते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे, वहां पर उनकी मित्रता सुग्रीव महाराज से हुई। उन्होंने एक दूसरे की सहायता की और प्रतिज्ञा ली। हे रावण, रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण से मार दिया। मैं सच कहता हूं, तुम सीता माता को श्री राम के पास ले जाकर उनसे क्षमा मांग लो, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा वानर द्वीप का एक एक प्राण क्रोध से भरा हुआ है, केवल मेरे पहुंचने की देरी है। अरे मूर्ख बानर, जुमान संभाल कर बातें कर, बुद्धि बुद्धि ठिकाने है या नहीं? यह मत भूल कि तू मेरी कैद में पड़ा हुआ है। सीता सीता की खोज तो दूर, वे तेरी खोज भी नहीं कर पाएंगे। तू
वो जिनके गुण गा रहा है उन्हें मैं बड़ी प्रकार से जानता हूं। मित्र मित्र भी क्या मिला सुग्रीव सुग्रीव वो तहन बानर कल तक तो अपनी स्त्री के लिए रोता रहा, बाली के भय से इधर उधर भागता रहा। अगर अगर उसमें इतनी शक्ति थी तो उस समय तलवार क्यों नहीं उठाई? दो दो चार बानर इकट्ठा करे और चले आक्रमण करने। कहीं ईट का कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुन्मति जोड़ा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सही कहा है। जब किसी के विनाश के दिन आते हैं मगर उसकी बुद्धि भी साथ नहीं देती है। तू शायद यह सोच रहा है कि मेरा पुत्र मुझे बंदी बनाकर आया है, यह तेरी भूल है। मैं तो इसलिए साथ चुपचाप चले आया कि तुझसे भी मुलाकात कर लूं। कभी मान संसार में किसी का ना आ, जो चढ़ता है वो गिरता है, वहां बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर बरसता है। मेरा कहना मानो, सीता माता प्रभु के हवाले कर दो, अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। तुम्हारे बुरे दिन आएंगे तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। लो लो देखो आ गया बनर मुझे नीति सिखाने को, चला है छोटा सा दीपक चांद का रास्ता दिखाने को। मुझे मुझे ज्ञान सिखा रहा है त्रिलोकी विजय रावण को। देखो हम दुत्यो नास्ति न भूतो न भविष्यति, कहा मेरे प्रधान सेना देश बंधनों में कहा तुम ठहरे जो मेरे सामने, मैं तुम्हें भी कहा इतना दम। बकरी बकरी और शेर का भला कोई मेल है, रावण का सामना करना क्या बच्चों का खेल है? मोह मोह में फंसा है रावण को, अज्ञानता की नींद छाई है, पड़ गई तेरी आंखों में चर्बी, नहीं देता तुझे कुछ दिखाई है। चला तू मार्ग पर क्यों नारायण की ओर जाता है, समझ कर सांप को रस्सी क्यों हाथों में लाता है? अपने जुमान संभाल करो पानर, तू चलकर मोहक के मोह में आया है। अरे ओ नीच जंगली जानवर, तूने रावण का खोप नहीं खाया है। मैं क्या खोप खाऊंगा तेरा, यह मेरा गुरु ने नहीं सिखाया है। तू क्या मिटाएगा मुझे, तुझे तो तेरा कुकर्म ने मिटाया है। न मैंने जब तक तलवार उठाई तब तक तू चहक चला रहा है, तू अपने वास्ते अपने हाथों से मौत का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में चर्चा होगी, वहां दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। हे राज्य के सभासदों, यह बानर सच में उन्मादी है, काट डालो सर इसका, यह रावण की आज्ञा है। अभी मानी रावण, फिर भी मेरा कहना मान जा,
रामचंद्र से माफी मांगी ले, वे अवश्य तुझे माफ कर देंगे। कहीं संसार में जगह नहीं मिलेगी, छुपने का तो ठिकाना ही नहीं मिलेगा। जमीन पर सड़ेगी लाश तेरी और कोई उठाने वाला न मिलेगा। खामोश दोस्त वानर, खामोश बल कमान। मैं अभी मिटा देता हूँ। राधा जी क्षमा कीजिए, यह कार्य आपको शोभा नहीं देता। दूध का व्रत करना राजनीति के विरुद्ध है। मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो। दूध को दंड देना है तो कोई और दंड दीजिए। उसका वध करना राजनीति के विरुद्ध है। और फिर आप तो बेदु ज्ञातु के ज्ञाता हैं, पांडित्य की प्रकाष्ठा हैं। ठीक है बानर को बानर को अपनी पूछ प्यारी है, इसलिए इसकी पूछ में कपड़ा लपेट कर तेल डालकर और नगर में घुमाओ और उसमें आग लगा दो और अपने स्वामी के पास जाएगा तो खुद ही शर्म से मर जाएगा। बोल श्रीपति रामचंद्र की। Thank you.